आज इस वीडियो में मैं ले चलूंगा आपको उत्तराखंड कुमाऊं में अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर धाम, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम पहला ऐसा मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आपको अपने शहर से पहुंचना होगा हल्द्वानी काठगोदाम। दिल्ली से हल्द्वानी काठगोदाम की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है और यहां तक आप लोग ट्रेन, बस, टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। पहाड़ी रास्ता शुरू होने से पहले काठगोदाम आखिरी शहर है और यहां से आपको पहाड़ों में जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है। अगर आप बस से सफर करना चाहते हैं तो हल्द्वानी बस स्टेशन से आपको बसेस मिल जाती हैं, जो कि काठगोदाम से 5 किलोमीटर पहले है। काठगोदाम से जैसे ही आप अपना सफर शुरू करते हैं, आपको पहाड़ों का मनमोहक दृश्य महसूस होने लगता है। काठगोदाम हल्द्वानी की तरफ बहने वाली गौला नदी भी आपके इस दृश्य में 4 चांद लगा देती है। रानीबाग से आगे आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जाता है जोलीकोट नैनीताल और भवाली और दूसरा रास्ता जाता है भीमताल होकर भवाली। जोलीकोट वाला रास्ता भवाली पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस रूट में आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। वहीं भीमताल वाला रास्ता क्योंकि 5 किलोमीटर छोटा है तो सभी लोग इसी रास्ते जाते हैं, इसलिए इस रास्ते में आपको ट्रैफिक काफी मिलता है। जब आप भीमताल क्रॉस करते हैं, आपको थोड़ी दूर पे मिलता है खुटानी बैंड, जहां पर मैं अभी हूँ। खुटानी बैंड से आपके पास जागेश्वर जाने के 2 रूट हैं। अगर आप सीधे जाएंगे वाया भवाली अल्मोड़ा होते हुए, और दूसरा है आपका खुटानी बैंड से आप राइट टर्न लेंगे और पदमपुरी होते हुए आप धानाचुली होते हुए आप पहुंचेंगे जागेश्वर। धानाचुली वाला रूट है ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब अगर मैं भवाली और धानाचुली वाले रूट में डिफरेंस बताऊं तो 19-20 का डिफरेंस है। धानाचुली से आप 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे जागेश्वर धाम, लेकिन इस रूट में आपको कोई भी व्यू नहीं मिलेगा, आप प्रॉपर जंगलों के रास्ते होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर आप भवाली के रास्ते जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आप इंजॉय करते हैं पूरे रूट को। आपको रास्ते में कैंची धाम मिलेगा, आपको अल्मोड़ा मिलेगा, आप रास्ते में गोलू देवता के मंदिर चितई में जा सकते हैं। तो मैं जहाँ से अभी आपको ले जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ आपको भवाली अल्मोड़ा होते हुए, चलिए मेरे साथ। तो मैं निकल चुका हूँ अभी खुटानी बैंड से जागेश्वर धाम की तरफ को वाया भवाली, और इस रूट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। आपको रास्ते में कैंची धाम मंदिर मिलेगा जहाँ आप थोड़ी देर रुक के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप गर्म पानी खैरना होते हुए पहुँचेंगे अल्मोड़ा। तो ये रूट आपको व्यू वाइज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। भवाली से लगभग 7 किलोमीटर में आपको दर्शन होते हैं बाबा नीम करोली महाराज के मंदिर कैंची धाम के। आप यहां कुछ देर रुककर बाबा के दर्शन करके फिर अपना सफर आगे शुरू कर सकते हैं। वैसे कैंची धाम में भी आपको रुकने के लिए काफी होटल्स मिल जाते हैं। कैंची धाम के होटल्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कैंची धाम से आगे 10 किलोमीटर में आपको मिलेगा गर्म पानी और खैरना। कुमाऊं उत्तराखंड की ये काफ़ी चहल पहल वाली जगह है। यहाँ आपको खाने पीने के लिए काफ़ी ढाबे मिल जाते हैं। खैरना से एक रोड जाता है रानीखेत की तरफ और दूसरी रोड जाती है अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा जाने वाली रोड अब यहाँ काफ़ी चौड़ी हो जाती है। बीच बीच में अभी भी यहाँ रोड पर काम चल रहा है, लेकिन ये रोड आपके सफर को और ज़्यादा मनमोहक बना देती है। सामने हिमालय का व्यू, बगल में कोसी नदी, ये नज़ारा बस देखते ही बनता है। अल्मोड़ा की तरफ जाते हुए ही आपको रास्ते में धोकाने वाटरफॉल भी मिलता है, जो कि अल्मोड़ा रोड से हटकर 4 किलोमीटर दूर है। अगर आपके पास टाइम है, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप धोकाने वाटरफॉल भी विजिट कर सकते हैं।
अल्मोड़ा कुमाऊं उत्तराखंड का एक बेहद खास शहर है। यहाँ की सुंदरता आपको यहाँ रुकने पर मजबूर कर देती है। अल्मोड़ा से एक रास्ता कौसानी की ओर जाता है और दूसरा रास्ता गोलू देवता चितय मंदिर होते हुए जागेश्वर की ओर। जागेश्वर वाली रोड पर पड़ने वाले गोलू देवता चितय मंदिर के दर्शन भी आपको अवश्य करने चाहिए। चितय मंदिर गोलू देवता को समर्पित मंदिर है, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आपके मन की बात, आपकी इच्छा अगर आप एक कागज पर लिखकर चिट्ठी के रूप में यहाँ टांग देते हैं तो वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होती है। आप इस मंदिर में ऐसी ही चिट्ठियाँ यहाँ पर बंधे हुए देख सकते हैं। ऐसी ही घंटियाँ यहाँ पर गोलू देवता को समर्पित हैं, इसलिए इस मंदिर में इतनी सारी घंटियाँ और चिट्ठियाँ बांधी गई हैं। चितय मंदिर के बाद जागेश्वर धाम सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाता है। इसके बाद आपको रोड भी संकरी मिलती है और चीड़ के पेड़ के जंगलों से होकर आप अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। सावन में इस रूट में काफी चहल पहल रहती है, लेकिन उसके बाद आपको ये रोड खाली ही मिलती है। चितय मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करने पर आप पहुंच जाते हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में आपको होटल की कमी नहीं रहती, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्शन करने के बाद वापस अल्मोड़ा चले जाते हैं। और अगर आपको यहाँ रुकना है तो आपको यहाँ होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जागेश्वर धाम जो है 125 मंदिरों का समूह, यहाँ पर अगर आप आएंगे आपको यहाँ पर छोटे बड़े 125 मंदिर दिखेंगे। माना जाता है कि 7वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। इन मंदिरों की जो निर्माण शैली है, जिन पत्थरों का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही आपको निर्माण शैली आपको केदारनाथ तुंगनाथ में भी दिख जाएगी। तो मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने भ्रमण के समय यहाँ इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण किया। जागेश्वर धाम के बारे में बहुत सारी मान्यता है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है जिनमें श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है। इनमें से कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम, मान्यता है कि यह पहला मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। भगवान शिव की तपस्थली जागेश्वर धाम को आठवां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। इसे योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। जागेश्वर धाम परिसर में 125 मंदिरों का समूह है और ये सारे मंदिर केदारनाथ शैली से बने हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। मान्यता है कि गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम जाने से पहले जागेश्वर के दर्शन किए और यहाँ कई मंदिरों का निर्माण और पुनः स्थापना भी की। जागेश्वर धाम भगवान शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें योगेश्वर, जिनका दूसरा नाम जागेश्वर है, इसके अलावा मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, तकुलीश, बालेश्वर, पृष्ठी देवी, कालिका देवी, कुबेर आदि प्रमुख हैं। 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों ने इनमें से कई मंदिरों का निर्माण कराया और बाद में 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच चंद शासकों द्वारा इन मंदिरों की देखरेख और पुनर्निर्माण हुआ। आज जागेश्वर धाम भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और यहाँ सारे मंदिर राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेक्स ट्रैवल फिल्म्स और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए विक्स_ट्रैवल फिल्म्स। धन्यवाद।